हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू के। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 3S या फिर Redmi 3S Prime पे MIUI 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे पास अभी MIUI 9 इंस्टॉल है। और दोस्तों, इसके लिए आपको MIUI 10 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपका बूट लोडर जो है वो अनलॉक चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इस पर कोई भी कस्टम रिकवरी फ्लैश होनी चाहिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि वो कैसे करना है आपको। उसके बाद दोस्तों, आपको दो फाइल डाउनलोड करनी है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लेजी फ्लैशर और MIUI 10 की जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके दोनों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना मोबाइल है उसको पावर ऑफ करना है और यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करके TWRP मोड जो है, यानी कि रिकवरी मोड है, उसको ओपन करना है। तो लीजिए, हमारा TWRP मोड यानी कि रिकवरी मोड जो है वो ओपन हो गया है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपने अपना मोबाइल का बैकअप नहीं लिया तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि MIUI 10 इंस्टॉल के दौरान आपका जो मोबाइल का सारा डाटा है वो चला जाएगा, यानी कि फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाई पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है और इन सबको सिलेक्ट करना है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें क्लीन प्लेस करना है। क्लीन प्लेस नहीं करेंगे तो आपका जो रोम है MIUI 10 का ग्लोबल जो रोम है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्वाइप कर देना है और थोड़ी देर तक वेट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मेन मेनू पे आ जाना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट स्टोरेज करना है और जहाँ भी आपने वो फाइल डाली है, यानी कि SD कार्ड हो या फिर आपकी पेन ड्राइव हो या फिर आपका इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद दोस्तों, आपने जहाँ भी वो फाइल डाली है उस फोल्डर में चले जाना है और सबसे पहले वो रोम वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एड मोर जिप करके और लेजी फ्लैशर की जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप कर देना है। अब दोस्तों, हमें थोड़ी देर तक वेट करना है क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी सोल्यूशन जो है वो आपको बता दूंगा। ऐसा आ जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, वाइप का जो बटन आपको दिख रहा है, वाइप कैच और डेलविक उस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्वाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको रिबूट का जो बटन दिख रहा है उस पर प्रेस करते ही आपका जो मोबाइल है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको थोड़ी देर तक वेट करना है क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, करीब करीब कई बार 20 मिनट भी लग जाता है इसमें। तो थोड़ी देर तक आपका जो मोबाइल है उसको रख दीजिए, अपने आप ही MI का लोगो जो है वो आ जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर MI का लोगो आ गया है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट होने लग गया या फिर और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, MI का लोगो नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसको फास्टबूट मोड में डालना है। इसके लिए दोस्तों, आपका जो पावर की है उसको और वॉल्यूम का डाउन बटन है उसको एक साथ प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, तो आपका जो मोबाइल है वो फास्टबूट मोड में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको पावर की को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है तो आपका मोबाइल जो वो अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाएगा और MI का लोगो और एंड्रॉयड का लोगो भी आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका MI का लोगो और यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो शो कर रहा है, यानी कि आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड 10 का जो बूट है वो सही से वर्क कर रहा है, तो आप दोस्तों आपको क्या करना है, आपका मोबाइल है उसको साइड में रख दीजिए और 15 से 20 मिनट तक वेट कर लीजिए, MIUI 10 जो है वो अपने आप ही इंस्टॉल होकर स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं मेरा यहाँ पर MIUI 10 Redmi 3S Prime पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों, मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और दोस्तों, सेटअप के दौरान अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ सिस्टम का फर्स्ट ऑफ हो रहा है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसका भी सॉल्यूशन जो है मैं आपको दे दूंगा।
सो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं मेरे Redmi 3S Prime पे MIUI 10 जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगर दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना हो, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं MIUI 10 8.7.3 बीटा मेरे Redmi 3S Prime पे इंस्टॉल हो गया। अगर दोस्तों आपके पास Redmi का और मोबाइल है यानी कि Redmi Note 4 है, Redmi Note 3 है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है रोम इंस्टॉलेशन में या फिर कोई सवाल है रोम के रिलेटेड या फिर MIUI 10 के रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा।